व्हाट्स अप फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेय टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप इंटरनेट से अर्निंग कर सकते हो, वो भी काफ़ी इजी वे में। सो फ्रेंड्स, इंटरनेट से अर्निंग करने के दो सबसे बेस्ट ऑप्शन हैं, जो है फर्स्ट है यूट्यूब, सेकेंड ब्लॉगिंग। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताऊंगा कि ब्लॉगिंग स्पॉट की हेल्प से आप कैसे अपना फ्री में ब्लॉग बना सकते हो। इसके लिए आपको किसी भी तरह की वेब होस्टिंग, डोमेन एंड कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए कैसे अपना ब्लॉगर स्कूल पे फ्री ब्लॉग बना सकते हैं एंड आप अर्निंग कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपने गूगल क्रोम पे ब्लॉगर टाइप करेंगे। देन यहाँ जो ब्लॉगर की फर्स्ट वेबसाइट है, इस पर क्लिक करेंगे। देन सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे ब्लॉगर की वेबसाइट खुल चुकी है, तो यहाँ पे हमें साइन इन कर लेना है अपने अकाउंट से। यहाँ पे हमें साइन इन करके, देन यहाँ पे हमें क्रिएट अ न्यू ब्लॉग, जो हमारे ब्लॉग का नाम होगा वो टाइटल हमें यहाँ पे लिखना है। आप किस नेम से अपना ब्लॉग बनाओगे वो टाइटल यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मैं टैकी बॉय के नाम से बना लेता हूँ ब्लॉग। देन फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें एड्रेस लिखना है, जो हमें ब्लॉग का एड्रेस होगा, जिसे हम URL भी कहते हैं, वो हमें यहाँ पे क्या हमें टाइप करना है कि हमारे ब्लॉग का एड्रेस क्या होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे, लेकिन जो हमारे .blogspot.com है वो हमारे यहाँ पे रहेगा ही, इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। हम आगे का चेंज कर सकते हैं, हम अपनी चॉइस से लगा सकते हैं, लेकिन जो पीछे का होगा blogspot.com वो वही रहेगा हमारा, क्योंकि ये फ्री डोमेन है, इसलिए यहाँ पे blogspot.com रहेगा। तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं टैकी बॉय, तो ये अभी टैकी बॉय के नाम से है नहीं, यहाँ पे शो कर रहा ब्लॉग ऑलरेडी किसी का है, तो यहाँ पे हम टैकी बॉय 1 कर लेते हैं। ये भी टैकी बॉय 1 भी है किसी का, टैकी बॉय 10 कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, टैकी बॉय 10.blogspot.com ये हमारा एड्रेस हो जाएगा, URL ब्लॉग का। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें डिस्प्ले नेम, यहाँ पे हमें अपना डिस्प्ले नेम बताना है कि हमारा ब्लॉग किस पे जो डिस्प्ले करेगा नेम वो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हम सिंपली अपना नाम यहाँ पे एंटर कर देंगे एंड देन फिनिश। तो फ्रेंड्स, हमारा ये ब्लॉग बन चुका है, हमारा ब्लॉग बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे टैकी बॉय के नाम से एक ब्लॉग बन चुका है। देन स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे यहाँ पे व्यू ब्लॉग भी कर सकते हो, यहाँ पे शो कर व्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, ये टैकी ब्लॉग के नाम से हमारा ये बन चुका है। अभी यहाँ पे देर इज़ नथिंग हेयर शो कर रहा है, अभी अब तक हमने यहाँ पे कोई पेज या पोस्ट अभी तक नहीं किया इसलिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप यहाँ पे और भी ब्लॉग बना सकते हो। तो यहाँ पे पोस्ट, स्टेटस, कमेंट, अर्निंग, पेजेस, लेआउट, थीम, सेटिंग्स, ये सारे यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में जाएंगे। देन फ्रेंड्स, जो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में टाइटल जो हमारा ब्लॉग का नेम था, हम चाहे तो इसे अभी चेंज भी कर सकते हैं, आप कभी भी चेंज कर सकते हो इसे। फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो, यहाँ पे ब्लॉग लैंग्वेज, आपकी ब्लॉग लैंग्वेज क्या रहेगी। देन जो यहाँ पे हमारा ब्लॉग एड्रेस था, जो हमें techieboy10.blogspot.com रखा है, इसे आप चाहो तो बाद में आप चेंज कर सकते हो, कोई अगर दूसरा आपके चॉइस का अवेलेबल बाद में मिल जाए तो आप चेंज कर सकते हो URL को। अब इसे हम सेव कर देते हैं, यही रहेगा हमारा अभी। आप चाहो तो ये ब्लॉग स्पॉट हटा भी सकते हो, पर उसके लिए आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, फिर .com वाले या .in उसके लिए चार्जेस देने पड़ेंगे। आप इसमें इनवाइट कर सकते हो और भी ऑथर्स को। सो फ्रेंड्स, अब थीम पे चलते हैं। तो ये हमारा भी थीम है, हम चाहें तो यहाँ पे काफ़ी सारे थीम दे रखे हैं, हम इनमें से दूसरे भी कोई थीम चूज़ कर सकते हैं। आप अपने चॉइस का किसी कोई एक थीम चूज़ कर सकते हो, या आप चाहो तो थीम को डाउनलोड भी कर सकते हो, आप किसी साइट से थीम डाउनलोड करके भी
अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आप किसी भी थीम को प्रीव्यू करके आप देख सकते हो कि आपके ब्लॉग पे वो थीम कैसा लगेगा। कस्टमाइज भी कर सकते हो आप इसमें, इमेज चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन है चेंज इमेज एंड रिमूव इमेज कलर इमेज। तो अभी हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे रिफ्रेश करके अब देख सकते हैं हमारे यहाँ पे ब्लॉक का थीम चेंज हो गया। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे सबसे पहले पोस्ट डाल देते हैं। तो उसके लिए हमें पोस्ट पे जाके न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे हमारा कोई पोस्ट नहीं है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक पोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पे एक टाइटल का ऑप्शन है, यहाँ पे हमें टाइटल लिखना है, जो पोस्ट का हमारा टाइटल क्या है वो यहाँ पे लिखना है। देन यहाँ पे पेज है, उसमें हमें कंटेंट लिखना है अपना। तो हम कोई सा भी एक टाइटल ले लेते हैं स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं हाउ टू डाउनलोड MS Office 2016 in PC. Then यहाँ पे हमारे नीचे इस पेज में आएंगे। टाइटल लिखने के बाद यहाँ पे पेज में हमें काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं, लाइक यहाँ पे नॉर्मल सारे ऑप्शन हैं। नॉर्मल है, इसमें हम मेजर हेडिंग कर सकते हैं, हेडिंग आप यहाँ पे टाइप्स ऑफ काफ़ी तरह के कैटेगरीज हैं। तो हम मेजर हेडिंग ले लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। देन आप यहाँ पे फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो, ऑप्शन है। देन यहाँ पे हम लिख लेते हैं डाउनलोड एंड इंस्टॉल MS Office 2016 in your PC. So I'm say सेलेक्ट करके यहाँ पे हम इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल चेंज करने का भी यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पे हम दूसरा कोई फॉन्ट ले लेते हैं। देन एंटर करके आप यहाँ पे फ्रेंड्स किसी और भी कुछ टाइप कर सकते हो। तो आप इस पोस्ट में आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे हैं। लाइक यहाँ पे हम कलर चेंज करके MS वर्ड लिख लेते हैं। देन आप यहाँ पे ऑप्शन है इमेज इंसर्ट करने का, लिंक इंसर्ट करने का। तो हम यहाँ से इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। चूज, देन आप अपने कंप्यूटर में से किस भी इमेज को यहाँ से इंसर्ट करके उस पोस्ट पे लेके जा सकते हो। तो ये हमारा इमेज यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। देन एंटर करके आप चाहो तो यहाँ पे किसी लिंक को भी, किसी वर्ड को भी चाहो तो लिंक में आप चेंज कर सकते हो, हाइपर लिंक की तरह। जैसे यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ YouTube, हम यहाँ पे किसी भी वर्ड को हाइपरलिंक में चेंज कर सकते हैं, जिस पे हम क्लिक करके हम दूसरे पेज पे चल जाएं जंप करने का। वो भी ऑप्शन है यहाँ पे इस लिंक पे क्रिएट एंड एडिट यूआरएल। तो यहाँ पे हमें यूट्यूब का यहाँ पे अपना लिंक डाल देना है।
तो यहाँ पे हमने अपना यूट्यूब का लिंक डाल दिया, देन ओके। तो फ्रेंड्स जो हमारे यूट्यूब है, अब इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट जंप कर लेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। या आप चाहो तो और भी कोई वर्ड लिख के आप उसको हाइपरलिंक कर सकते हो, देन और कुछ भी टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट है वीडियो इंसर्ट करने का। आप चाहो तो कंप्यूटर से भी वीडियो इंसर्ट कर सकते हो, यूट्यूब से भी। लाइक यूट्यूब से हम किसी एक वीडियो को इंसर्ट करके दिखाते हैं। हाउ टू डाउनलोड एमएस ऑफिस। देन यहाँ से हम किसी भी एक इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। देन प्रीव्यू, अब यहाँ पे प्रीव्यू करके देख सकते हो कि हमारा पोस्ट कैसे लगेगा पब्लिश होने पे। सो आप यहाँ से इसे डायरेक्ट पब्लिश कर सकते हो। यहाँ पे आप लेबल डाल सकते हो एमएस वर्ड, आप यहाँ पे पोस्ट रिलेटेड लेबल्स डाल सकते हो यहाँ पे। देन पब्लिश कन्फर्म। सो फ्रेंड्स ये हमारा पोस्ट पब्लिश हो चुका है, देख सकते हो। आप चाहो तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, व्यू कर सकते हो पोस्ट को अपने। सो आप देख सकते हो हमारा पोस्ट अब ऐसे लगेगा देखने में। यहाँ पे शो कर रहा है सैटरडे 1 अगस्त को ये हमारा पोस्ट पब्लिश हुआ है। यहाँ पे ऑथर नेम दिखाएगा जिसके द्वारा ये पोस्ट पब्लिश हुआ है। यहाँ पे आप एडिट प्रोफाइल में जाके आप प्रोफाइल को एडिट भी कर सकते हो अपना, जो डिस्प्ले ने आप चाहो तो उसे चेंज भी कर सकते हो। देन यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल पिक भी लगा सकते हो, लाइक किसी भी एक पिक को हम चूज कर लेते हैं। देन यहाँ पे और भी काफ़ी सारे ऑप्शन आप इसे फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे अपने जेंडर चेंज कर लो, सेव प्रोफाइल। सो हमारी प्रोफाइल यहाँ पे सेव हो जाएगी। देन आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी प्रोफाइल पिक लग चुकी है। और भी यहाँ पे अपने अबाउट मी में और भी अपने बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो। सो यहाँ पे हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पोस्ट था वो यहाँ पे अब शो करने लगा है, जो पहले यहाँ पे हमारा ब्लैंक था। तो आप यहाँ से सर्च ब्लॉक कर सकते हो, होम के पास में यहाँ पे ऑप्शन है। देन यहाँ से आप एक्सटर्नल लिंक बना सकते हो अपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, यहाँ फेसबुक पेज या फेसबुक का यहाँ पे आप लिंक डाल सकते हो। पेज का टाइटल, देन यहाँ पे पेज का यूआरएल डाल के सेव लिंक। देन यहाँ पे आपका होम के साइड में देख सकते हो यूट्यूब भी आ गया। वैसे आप इंस्टाग्राम और भी अपने सोशल मीडिया के यहाँ पे लिंक डाल सकते हो। तो आप देख सकते हो वहाँ से डायरेक्ट ये मेरे यूट्यूब चैनल पे आ चुका है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से अपना थीम भी चेंज कर सकते हो चाहो तो आप, और आप चाहो तो इसमें से आपको कोई थीम पसंद नहीं आए तो आप कोई थीम डाउनलोड भी कर सकते हो, उसके लेआउट चेंज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप अर्निंग पे जाके अगर आपका पेज है वो ब्लॉग है वो अच्छा चलने लगा तो आप उस पर ट्रैफिक आ रहा है तो आप गूगल एडसेंस की हेल्प से यहाँ पे अर्निंग भी कर सकते हो अच्छी खासी। यहाँ पे गूगल एडसेंस लगा के फिर आपके ब्लॉग पे एड्स दिखाने लगेंगे, सो फिर आप उसकी हेल्प से अर्निंग भी कर सकते हो। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो
तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड्स। और आप चाहो तो और भी अपने इसमें फिर धीरे धीरे सेटिंग्स जब आप पोस्ट करने लगोगे तो फिर आपको और अच्छे से समझ आने लगेगा। तो सो बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग माई वीडियो। बाय बाय।